नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बताएं सिविल लाइन में, और आप यहां पर देख सकते हैं जिस तरह से अभी हरिद्वार में कली ज्वेलर्स की दुकान पर बड़ी घटना हुई है, वहां डकैती डली है उस दुकान पर। उसके बाद हरिद्वार जनपद में सख्ती बढ़ती जा रही है। हरिद्वार SSP के निर्देश पर जितने भी जिले के अंदर शोरूम है ज्वेलरी के, वहाँ पर पुलिस जा रही है, कैमरे चेक कर रही है, जो गार्ड है उनको चेक कर रही है क्या उनके अस्त्र शस्त्र सही हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ से, देखिए कल रानीपुर जो है मोड़ पर एक घटना हुई है ज्वालापुर थाने में। उसको देखते हुए यहाँ पर भी एक एहतियातन हम लोगों के द्वारा एक तो जितने भी हमारे ज्वेलर्स हैं उनके यहाँ जो कर्मचारी हैं उनका वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इसके अलावा उनको अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर CCTV कैमरे और इमरजेंसी सायरन रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और यदि कहीं पर CCTV लगे हैं तो वो CCTV चालू हालत में हैं या नहीं है, इस चीज़ को भी चेक किया जा रहा है। तो विशेष तौर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। सर, हम देख रहे हैं कि गार्ड्स के पास जो वेपन है उनको भी चेक कर रहे हैं कि किस तरह का वेपन है, कितना उसको ये बात सही है कि गार्ड को भी हम लोग थोड़ा मतलब एक तरफ से गार्ड की भी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है कि अगर इमरजेंसी में इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके बाद उसको क्या क्या एक्शंस लेने हैं और उसका जो वेपन है वो चालू स्थिति में है या नहीं है ये भी देखना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें ड्राइव के तहत चलाई जा रही है। सर, आज लगभग कितने शोरूम बीटीगंज में? अधिकतर शोरूम्स को इसमें रुड़की कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जितने पड़ते हैं तो उनको चेक किया गया है और बाकी ड्राइव जारी रहेगी। जैसे आपका कोई सबॉर्डिनेट है ना जो इसी से रिलेटेड हो, माना यहाँ पर कोई बात होगी तो जो यहाँ ना बैठता हो कहीं दूसरी जगह हो उसमें